पदाधिकारीगण, बिजली विभाग के पदाधिकारीगण, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत ही हर्ष की बात है कि आज धनबाद में फिर से जन सुनवाई बिजली को लेकर चल रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हम गरीब जनता व्यापारियों की बात सुनने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया। सर, जिस तरह टैरिफ बढ़ाने की बात आई है, ये बिल्कुल नया संगत नहीं है, क्योंकि मैं धनबाद की बात करूं तो धनबाद की स्थिति बिजली के मामले में बहुत ही खराब है। मैं अपने तरफ से कुछ पक्ष रखना चाहता हूं। सर, बिजली सप्लाई की खराब स्थिति के कारण हमारे क्षेत्र में उद्योग एवं व्यापार का विकास नहीं हो पा रहा है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बिजली का नया कनेक्शन लेने में काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिजली हमारे धनबाद शहर में 15 से 16 घंटे 24 घंटे में मिलती है और गांव में 10 से 12 घंटे ही मिल पाती है। जरा से भी अगर बारिश आंधी तूफान आ जाए तो बिजली जाने की गारंटी तो बन जाती है, लेकिन आने की गारंटी नहीं रहती है। और कई बार फोन करने पे विभाग का फोन बंद पाया जाता है और हम लोग परेशान होते हैं, व्यापारियों का जवाब देने में बनता नहीं है, जनता व्यापारी काफी परेशान हो जाती है। समय पर बिजली बिल नहीं मिल पाता है, कभी कभी 3-4 महीने का एक साथ बिजली बिल थमा दिया जाता है। गलत बिल सुधार करने पर विभाग में काफी चक्कर काटना पड़ता है। किसी भी कंज्यूमर को सिक्योरिटी डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाता है। बिजली दर की बढ़ोतरी मैं कहूंगा बिल्कुल अनुचित है, ये टैरिफ बढ़ाना बिल्कुल अनुचित है। बिजली के सप्लाई की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिक्स चार्ज पूरा महीना का वसूल कर दिया जाता है। एक सबसे बड़ी समस्या इधर आ रही है पिछले कुछ वर्षों से कि भार बढ़ाने पर अतिरिक्त भार के साथ पहले वाला भी जमानत राशि लिया जाता है, जो कि गलत है। पहले ऐसा कभी नहीं था। सर, 2 किलोवाट पहले से हमारा है और उसको अगर 2 किलो और बढ़ाना है तो वो 2 किलो का अतिरिक्त पैसा लेना चाहिए। अभी वर्तमान में ये परिस्थिति है कि वो 4 किलो का पैसा लग जाता है। सर, इस पर ध्यान देने की बात है। और सबसे गंभीर विषय है, सर, माननीय आयोग द्वारा उपभोक्ता हित में जो भी आदेश दिया जाता है उसका अनुपालन कभी नहीं हो पाता है। जानकारी के अभाव में उपभोक्ता लाभ से वंचित रह जाते हैं। हमारे पूर्व वक्ता साथी ने कहा कि एक मंच यहाँ भी बनना चाहिए जहाँ पे उपभोक्ता और व्यापारी, खासकर जो व्यापारी जो समाज के ऋण होते हैं, उनकी बातों को भी सुनी जानी चाहिए और उसका अनुपालन होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।